इंटरनेशनल फ्रंट से दो दिनों बहुत तूफानी तेजी भी हुई है और मंदी भी हुई है यूएस में क्या हुआ वहाँ पे सब डिटेल में समझेंगे और इंडियन मार्केट उसको कैसे लेता है कैसे उस पर रिएक्ट करेगा साथ ही दो तीन दिग्गज रिजल्ट्स पे कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा इन सब पे डिटेल में चर्चा होगी इस पर बातचीत होगी क्योंकि बजट से अब दो ही तीन दिन ट्रेडिंग सेशन रह गए हैं गुड मॉर्निंग अनुज क्या लग रहा है आज नीरज जी गुड मॉर्निंग आशीष गुड मॉर्निंग मार्निंग देखिए वो मिड वीक हॉलीडे वैसे अच्छी काफ़ी लगती है लेकिन वो थोड़ा सा मोमेंटम बिगाड़ देती है वो ग्लोबल क्यूज़ दो दिन के जो डाइजेस्ट करने होते हैं ना उसमें किस दिन का देखें हाँ एग्जैक्टली कौन सा डाइजेस्ट करना हाँ है? वो एग्रीगेट देखें या क्या देखें वो थोड़ा सा इशू आ जाता है तो इसके लिए तो इसके लिए खैर लेकिन अब मैं ये कंप्लेन नहीं कर रहा करूँगा कि मिड वीक हॉलीडे क्यों हुई वो होनी भी चाहिए कभी कभी लेकिन खैर एनी देखिए मार्केट में क्या हुआ कल मेनली कल की बात करेंगे कल नेस्डा गिरा काफ़ी और बहुत लोग स्पेशली जो बेयर काटल है ना उनको जैसे ही बस एक दिन कुछ इंडेक्स चले जाते हैं उनको लगता है बस अब आज काम हो गया ऐसा कुछ नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयान आए वो उन्होंने एक्चुअली एक इंटरव्यू दिया ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक को और ये उसमें जो उन्होंने कहा उससे थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आया जो नेस्टेक पर इम्पैक्ट आया वो पूरा का पूरा उनकी जो स्टेटमेंट थी ताइवान को लेकर उसकी वजह से आया उन्होंने कहा कि ताइवान आ, हमको काफ़ी यूज़ कर रहा है और काफ़ी सुख कह है वो नहीं करना चाहिए तो उनका उनका शुरू देखिए वो फार राइट आदमी है डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए अमेरिका फर्स्ट वो हमेशा ये है कहते हैं आपको याद होगा इन पिछले जब पहली बार वो आए थे तब इंडियन आईटी स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी और उस तो वक्त भी मेरा व्यू यही था कि रेटरिक अलग होती है हर इलेक्शन में एक रेटरिक होती है एक प्रेसिडेंट की आ, लेकिन उसके बाद वो वही करता है जो उसके देश के लिए अच्छा होता है इवेंचुअली तो ये उन्होंने कहा जरूर है उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आया अब वो इम्पैक्ट क्यों आया क्योंकि नेसडेक मेनली क्या है अब नेसडेक हम हमारे जैसे आई टी कंपनियाँ प्रोग्रामिंग कंपनियाँ नहीं है उनके यहाँ पर उनके यहाँ पर चिप कंपनियाँ हैं जैसे सेमी कंडक्टर कंपनियाँ एन बी डिया जैसी कंपनियाँ हैं उनके यहाँ पर उन सब पर वो सारी की सारी कंपनियाँ ताइवान पर निर्भर हैं तो इस वजह से वहाँ पर एक इम्पैक्ट आया हमारी कंपनियाँ थोड़ी ना ताइवान पर निर्भर हैं हमारी जो आई टी कंपनियाँ हैं वो थोड़ी ना ताइवान पर निर्भर है थोड़ा लेट चल रहे हैं डायरेक्टर साहब उसको नेक्स्ट दो सेट ऑफ ग्राफिक्स एडी करिए तो ये कारण है कि आ, मैं इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं हूँ क्योंकि हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं है और हमारा इनवर्ड लुकिंग देखिए आप क्या हो रहा है टी के बाद एच सी टेक भी ठीक ठाक था एल टी की भी कमेंट्री काफ़ी स्ट्रांग है और एल में भी कुछ लोगों ने शॉर्ट करने की गलती करी है मेरे ख्याल से तो आज वहाँ पर भी हो सकता है कवरिंग हो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट लेकिन नंबर ऑब्वियसली रहने वाला है इन्फोसिस इन्फोसिस के नंबर्स और गाइडेंस क्या मार्केट काफ़ी कुछ पचा चुका है ये सब देखना होगा और एक चीज़ डोनाल्ड ट्रंप के आने से एक और चीज़ जो होगी मैं बताता हूँ देखिए हम डे ट्रेडिंग की तो बात हमेशा करते हैं वो अलग चीज़ है मैं आज एक बिग बोल्ड कॉल ले रहा हूँ कि यहाँ से आपको कहाँ ज़्यादा पैसा बनेगा अगले छः महीने के लिए मार्केट क्या एज्यूम करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं ठीक है इलेक्शन कब है नवंबर में अभी क्या चल रहा है जुलाई चार महीने बाकी हैं चार महीने में बहुत पैसा बन सकता है अगर आप इस चीज़ पर फोकस करें कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आए तो क्या होगा एक और चीज़ जो होगी जो मार्केट फैक्टर करना शुरू करेगा वो है अब डॉलर अब देखिए डॉलर वीक होना शुरू होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ में एक वीक डॉलर होती है क्योंकि वो आ, जो स्ट्रॉग करेंसी होती है ना वो किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छी नहीं होती तो इसके लिए डॉलर का वीक होना इसका मतलब आईटी और चलेगा मेरा तो ये मानना है आईटी चलेगा यहाँ से मेटल्स चलेंगे ज़ोरदार कमोडिटीज़ में बड़ी वाली रैली आएगी डॉलर का वीक होना प्लस अगर रेट कट आ गया ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाए तो कमोडिटीज़ मेटल और केमिकल इन पर फोकस करें अगले छः महीने के लिए वैसे तो खैर एक व्यू मेरा ये रहा है कि अपने पोर्टफोलियो में पच्चीस परसेंट आपका होना चाहिए लेकिन आई मेटल और केमिकल्स ये एक पोर्टफोलियो है जो आउट परफॉर्म कर सकता है ख़ासतौर से केमिकल्स जहाँ पर वापस साइन देखने लगे हैं कि शायद कुछ बॉटम बनाए तो इस पर फोकस करें अगले चार से छः महीने के लिए आपको बड़ा पैसा बनाकर देने वाला है। आ, भाई साहब बड़ा पैसा बनने की पूरी गुंजाइश है इस तरह की खबरें बियर काटिल को जगा देती हैं। सीधा साधा मैंने छह स्टॉक खबर से लिए थे ऐसा कोई <laughs> <laughs> लाल इसलिए लिए थे बस खबरें